नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार का भविष्य है बिहार का छात्र, और छात्रों का सपना होता है बिहार में सरकार में अधिकारी बनना, और अधिकारी बनने के लिए उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की BPSC की 67वीं PT की का नोटिफिकेशन आने वाला है, और उसकी तैयारी कैसे की जाए, छात्र क्या कुछ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम बात करेंगे गुरुकुल के सर्वे सर्वा गुरु रहमान से, और जानेंगे कि बच्चे किस तरह की तैयारी करें और कैसे खुद को BPSC के लिए तैयार करें। ए लॉट ऑफ थैंक्स। और सबसे पहले बात है कि गुरुकुल के सर्वे सर्वा नहीं, गुरुकुल के एक आधार, सभी आधार वसत में भी मैं एक आधार, एक लंबा अनुभव रहा पढ़ने पढ़ाने का। मैं गुरु तो 2007 में बने हम, उसके पहले तो शिक्षक रूप में 94 से पढ़ा रहे हैं। देखिए हम अब को हमको याद है 39वां से लेके 39 से लेके अभी तक 66वीं तक के BPSC PT की परीक्षा, एक बार कैंसिल भी हो गया था, एक बार केवल 1640 रिजल्ट दिया था आपको 40वां BPSC में। तो देखने के बाद यही लगता था कि 100 क्रॉस करके आ जाओ PT हो जाएगा। लेकिन अब जो परिस्थिति है, चाहे जिस तरह की हो परिस्थिति, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन वायरल का भी हल्ला हुआ था, क्या हुआ था उसको मैं नहीं जानना हूँ, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। सदाब बाबू, आपके चैनल से मैं बता दूँ एक बात कि परिस्थिति इसलिए बदल गई कि अब हर कैटेगरी का लड़का कैटेगरी के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है बल्कि पढ़ रहा है। रिजर्वेशन से अब मतलब नहीं रहा, हाँ, उसको इन मतलब नहीं कि हम एससी हैं कि हम फॉरवर्ड हैं कि हम फलाना है ढिकाना है, उससे मतलब नहीं, वो पढ़ रहा है रिजल्ट के लिए पढ़ रहा है। तो पढ़ने का दर बढ़ा है। 67वीं BPSC जिस वक्त होगी उसमें आपको 17-17 वाला दरोगा वाला फेल, 24-46 वाला दरोगा वाला फेल, 22-13 दरोगा वाला सारा लड़का, और सब जो तैयारी कर रहा है उसका लड़का उस लड़का से टक्कर होगा। परीक्षा निश्चित रूप से 22-13 सब इंस्पेक्टर की और 67वीं BPSC की PT भी निश्चित रूप से टफ होगी मेरे भाई, स्पष्ट। यानी कि 105 प्लस अगर नहीं है तो रिजल्ट गिर जाएगा। ऐसे में छात्र क्या करें, ऐसे में छात्र क्या करें, आपका प्रश्न है, इसलिए हम पीछे पीछे चले आए परिस्थिति में। लड़के शॉर्टकट माध्यम से जाने से बचे। लड़के सोचते हैं कि फलाना चीज खरीदे के जगह कंपाइलेशन है, पढ़ के रगड़ के लड़के क्वेश्चन ही कर दिए, फलाना कर लिए ढिकाना कर लिए, पास कर जाएंगे। नहीं, अब 7वें से लेकर 12वें क्लास तक हिस्ट्री, प्राचीन भारत रामचरण शर्मा, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा, ये पुराना वाला, और बाकी जितना ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस सब को 7 से लेकर 12वें तक का NCERT का पागलपन यानी लव लेटर के जैसा पढ़े। अगर ये रिजल्ट चाहते हैं तब, रिजल्ट चाहते हैं तब हिस्ट्री में पर्याप्त होना, आपको करेंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, और लड़के सोचते हैं कि कोई कंपाइलेशन आ जाए, ढंगरू पब्लिकेशन, मंगरू पब्लिकेशन, ढंगरू सर, मंगरू सर, उनका कंपाइल आ जाए हम पढ़ लें, गलत बात है। लड़के अगर हिंदी माध्यम के हैं तो सौभाग्यशाली होंगे है वो हिंदी माध्यम वाले कि उनके पास प्रतियोगिता दर्पण जैसी हिंदी माध्यम में अच्छी मैगजीन है। प्रतियोगिता दर्पण से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब सर्वमान्य मैगजीन है, सर्वमान्य मैगजीन, मुझे कोई लेना देना नहीं, ना जानो पहचान नहीं है, कहाँ से छपती है यही जानते हैं हम। तो प्रतियोगिता दर्पण अगर गहराई से पढ़े, एकदम हर महीने का एकदम गहराई से इंतजार रहे, इस महीना पढ़ने के बाद कि अगला महीना वाला कब आ रहा, गहराई से पढ़ें,
सारा चीज को, खेल को, पुरस्कार को, सम्मेलन को, कोई घटनाक्रम को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट को, आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट को, राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव को, इस सब बदलाव को दिमाग में बैठा कर रखें, एक बात। दूसरी बात कि कम से कम 2 सेट यानी 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रतिदिन करें। जब ये पढ़ चुके होंगे, ये जो बच्चे ये पढ़, ये सब चीज पढ़ लिए होंगे, तो देखिएगा आपको कि एक अरिहंत में आता है, शायद मनोहर पांडे का है, 14,500 क्वेश्चन उसमें रहता है। उस 14,500 क्वेश्चन वाला वो किताब को क्वेश्चन बना ले, रेगुलर टेस्ट दे, आकलन करें अपने आप को, अच्छे क्वेश्चन से, अच्छे संस्थान को चुन के, लेबल देख के रेगुलर टेस्ट दे। हमको लगता है कि इतना पर्याप्त है पीटी पास करने के लिए। अच्छा, वैसे भी कई बच्चे होंगे जो अभी बिल्कुल नए हैं, अभी कुछ दिन पहले ग्रेजुएशन किया, जस्ट अभी पीटी की परीक्षा का ये मतलब एक्सपेक्टेड 12 दिसंबर का डेट भी आ रहा है, 67 का होगा या नहीं होगा अलग बात है, मगर बहरहाल अभी 12 दिसंबर की बात चल रही है। तो वैसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अब इस शॉर्ट पीरियड में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, शॉर्ट पीरियड में वैसे बच्चे जो हैं, जो अभी तुरंत बीए पास करके आए हैं और चाहे कि हम 67वीं BPSC को अगर 12 दिसंबर को परीक्षा हो जाती है तो निकाल के फाइनल DSP बन जाए, संभव नहीं है। बीड़े ही संभव होगा जो बहुत पहले से तैयारी करता होगा। तो उन बच्चों को मैं यही राय दूंगा कि ये इस परीक्षा को एक टेस्ट मैच के रूप में देखें, इसको खेलें और NCERT का गहराई से अध्ययन करें, टेस्ट बुक पढ़ें। ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, आपको पॉलिटी में M. लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ सकते हैं, आपको इकोनॉमी में प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक अतिरिक्तांक पढ़ सकते हैं, आपको योजना रेगुलर पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण रेगुलर लव लेटर जैसा पढ़ना है, एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र जिसमें राकेशव पुनम्मा को लेकर भाग गया उस तरह का समाचार नहीं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखता है उस पर उसको रखना है। प्रोग्रेसिव माइंड इफ यू हैव देन यू कैन क्रैक द एनी पीटी ऑफ एनी टाइप ऑफ पीटी ऑफ एनी एग्जामिनेशन। प्रोग्रेसिव माइंड विथ सब्जेक्ट, परंपरागत तथ्यों को वर्तमान के साथ जोड़कर अगर आप संपूर्ण ज्ञान अर्जित किए हुए हैं तो आपका पीटी कोई नहीं रोकेगा, मुख्य परीक्षा भी कोई नहीं रोकेगा, पास कर जाइए। आपने सर ये बताया कि लोग शॉर्टकट खोजते हैं स्टूडेंट, उसका तो आपने बता दिया कि क्या नहीं करना चाहिए, मगर और ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए, जिसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए छात्रों को? अब नहीं, समय नहीं बर्बाद करना चाहिए वाला छात्रों को, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है कि छात्र आप भी रहे हैं, छात्र हम भी रहे हैं, लेकिन अस्पष्ट है कि परीक्षा है तो अभी BPSC में तो उस तरह की बातें कम होती है कि हम सेट करा देंगे, फेट करा देंगे। तो BPSC में जनरली लड़के को नया नया मैगजीन, नया नया किताब, नया नया मटेरियल नहीं पढ़ना, हर जगह हर स्टॉल पर इस तरह का फोटो स्टेट करके बहुत सारा कुछ मिलता है। बहुत अच्छी, फलाना वाले सर, ढिकाना सर, हमरो मेरा भी किसी के भी नाम से, मेरा भी किसी भी नाम से मिलता है। उस सबसे तो अलग रख के कंसेप्चुअल टेस्ट बुक छोड़ के दूसरा चीज पर ध्यान नहीं देना है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मोबाइल में उन्हीं चीज पर ध्यान देना है जो आपकी तकदीर बदल दे, उन चीज पर नहीं जो आपकी तकदीर को खराब कर दे, क्योंकि मोबाइल में दोनों चीज खतरनाक ढंग से विद्यमान है, तकदीर बनाने वाला भी बिगड़ने वाला भी। मोबाइल से बच्चे चकचक में नहीं रहेंगे, अगर पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो तो चकचक में मत करना। चकचक मतलब प्यार मोहब्बत, जैसे मैंने किया, हमको भी IPS बनने का शौक था लेकिन चकचक आ गए, दोनों में एक ही काम होता, या तो IPS बनते या चकचक में करते, दोनों में एक जिधर लगे ज़्यादा पागलपन के हद से उसमें सफल हो गए। इसलिए पागलपन के हद तक गुजर जाओ, यह सोच के कि तुम अपना जीवन इस पद के लिए ही लेकर
पैदा हुए हो तब तुम्हारा हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्टकट कोई माध्यम नहीं है। कोई टीचर किसी को पास नहीं करा सकता है जब तक आपके अंदर का जिल इस बात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाए कि मैं करूंगा, आई विल डू, रब भी साथ देगा और समय पास कर जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, परिचोक्ता दर्पण, राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र और दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्राचीन भारत को लेके वर्तमान समय तक देखते हुए सबको टोटल पढ़ना होगा, एक खूब प्रैक्टिस करना होगा। 14,500 क्वेश्चन वाला वो प्रैक्टिस करे, कोई अच्छा गाइड निकल ले बीपीएससी के लिए वो प्रैक्टिस करे, उसका प्रैक्टिस करे, प्रतियोगिता दर्पण में जो संभावित प्रश्न देता है उसका प्रैक्टिस करे, खूब प्रैक्टिस करे। अरे एक आध साल का तो बात है यार, 4-5 घंटा सोएगा तो मर तो नहीं ना जाएगा, लेकिन अगर एक आध साल अपने आप को अगर जो अपने आप को संयमित करके पूरी जिंदगी शानदार जानदार हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से पहली बार हम बच्चों से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि कोरोना दिखा भी दिया कि प्राइवेट नौकरी वाले और सरकारी नौकरी वाले में अंतर क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। हम भी सोचते थे कि साला दरोगा इतना बनाते हैं, अगर हम दरोगा रहते तो कम से कम हमको इकोनॉमिकल तो टेंशन नहीं ना रहता, ये सोचना शुरू कर दिए थे। हम भी बीपीएससी रहते सोचना शुरू कर दिए थे, लेकिन इसलिए हम यही बोले कि बस अभी का समय है सिर्फ और सिर्फ हद से गुजर जाने का, और हद से गुजरने का सिर्फ और सिर्फ समय है पढ़ाई। अगर उसको छोड़ के अगर इधर उधर कुछ भी करते हैं तो वह निश्चित रूप से वो बात होगी जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जब उनका अगर बीपीएससी क्रैक करने का है तो मोहब्बत भी इनकी बीपीएससी ही होनी चाहिए, और मोहब्बत में इधर उधर नहीं चलता है, मोहब्बत में इधर उधर नहीं चलता है। गुरु रहमान का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने छात्रों के भविष्य को संवारने का बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे तरीके बताए, और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रख तो राह पर दो चार ही कदम मगर ज़रा तबीयत से कि मंजिल खुद ब खुद चल कर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरे तकदीर के काम आएगी। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।